कैसा लग रहा है? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग हो रहा है। 6 o'clock दोस्तों, आपका भाई लेके आ चुका है एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग। दोस्तों आज 16 अगस्त और आज इवनिंग के टाइम में मैं ब्लॉग शुरू करना हूँ लगभग 6 बजे, क्योंकि भाई साहब कल से बारिश हो रहा है। 24 घंटा हो गया, बारिश रुक ही नहीं रहा है। और अभी इसी बारिश में हल्का बारिश थोड़ा सा हुआ था तो रेलिंग वाला काम करने मिस्त्री लोग आ गए, तो रेलिंग वगैरह हमारा लग चुका है, अभी आपको दिखा देंगे। उससे पहले आपको एक खुशखबरी देते हैं, आपके भाई के हो चुके हैं चैनल पर 26,500 सब्सक्राइबर। दोस्तों और भी ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, 1 लाख जल्दी से कराइए ताकि भाई कुछ बड़ा किया जाए, कुछ बड़ा सोचा जाए करने के लिए। देखिए 26,500 हो चुका है, जल्दी से 1 लाख कराइए ताकि आपका भाई कुछ और बड़ा बड़ा कर सके। तो दोस्तों आज हम जाने वाले थे मैकडोनल्ड, कल तो नहीं जा पाए थे, कल भी बारिश हो रहा था, लेकिन यार कल वाला बारिश आज तक रुका ही नहीं है, हो ही जा रहा है। गुड इवनिंग। क्या हो रहा है? बस ऐसे इधर उधर सामान फैला है। अच्छा, अभी अपना तिरंगा यहाँ रख दिया, इसको मोड़ के रख दो अच्छे से। हाँ, मोड़ के रख। हाँ, और आपको रेलिंग दिखा देते हैं बाहर का, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए अब स्ट्रीट ऐसे इसका लग गया, तो नहीं अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं ग्लास वाला लगाने वाला था, शीशे वाला, पर यहाँ पे बच्चे फोड़ देंगे पत्थर वगैरह मार के, तो नुकसान हो जाएगा भाई। तो दोस्तों अभी जो है मेरा पुराना टीवी का स्टैंड था उसको बना लिया हमने, अपना कंप्यूटर स्टैंड लाइट वगैरह लगा के थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई ऐसे बेड पे मैं चलाता तो अच्छा नहीं लगता था, पर यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम, अभी मम्मी कह रहे हैं सब्जी वगैरह लाने के लिए, सब्जी लेते हैं, बारिश थोड़ा सा रुका हुआ है। और मैकडोनल्ड तो भाई 2 दिन से सोच रहा हूँ जाने के लिए, जा ही नहीं पा रहा हूँ, क्या होगा कल देखते हैं, कल मौसम अच्छा रहेगा चलेगा। फाइनली तो मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आ चुके हैं, अभी गए तब सब्जी लाने इवनिंग के टाइम में, और साथ में लाए हैं गुजरात और बॉम्बे का वर्ल्ड फेमस नाश्ता। तो दोस्तों हम लाए हैं वर्ल्ड फेमस नाश्ता जो कि है बड़ा पाव, ये रहा बड़ा और ये रहा पाव, साथ में समोसा भी है, लेकिन हम लोग आज को डिफरेंट करेंगे, ठीक है? आज बड़ा पाव में ना डाल के समोसा पाव खाएंगे, क्यों? तो दोस्तों हम लेते हैं पाव, इसमें बड़ा डाल के इसको बड़ा पाव नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम समोसा पाव। इसमें रख देते हैं समोसा, थोड़ा सा बड़ा है कोई नहीं, तोड़ लेते हैं ऐसे ऐसे खा लेंगे, बस इसको दबा देंगे। इसमें डालेंगे मीठी चटनी जो कि मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा तीखा चटनी, फिर समोसा पाव खाएंगे। और मम्मी ये कहेंगी, मम्मी अब तो भारी भारी, हमने तो ट्राई किया, अब तुम ट्राई करो कैसा लग रहा है, ये लो पाव और ये समोसा, अब उसको थोड़ा सा दबाओ। हाँ ये लो चटनी, पता ना भर के चटनी और थोड़ा सा ये तीखा चटनी, अब इसको पैक करो और खाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाकी ये बड़ा बड़ा पाव तो बहुत खाई होगी, लेकिन समोसा पाव आज तक नहीं खाई होगी। नहीं पहले बार। और ये बड़ा ऐसे ही खा लेते हैं। क्या बन रहा है रात के खाने में आज? ठीक है, दाल रोटी सब्जी फ्राई दाल, फ्राई दाल और रोटी और सब्जी। अच्छा सब्जी है, आलू भुजिया गोभी भुजिया और दाल फ्राई रोटी। तो दोस्तों अभी मम्मी जा रही है बताने कि अगर सर्दी खांसी हो तो काढ़ा बना के कैसे पी सकते हैं आप लोग, क्या क्या डालेंगे, तो उससे क्या होता है? इसमें लौंग डाली हूँ। हाँ, फिर इसमें कूट के डाली हूँ। इससे होगा क्या? थोड़ा शरीर को आराम मिलेगा। और सर्दी? सर्दी भी थोड़ा आराम मिलेगा, शरीर दर्द वगैरह सब सही रहेगा। अच्छा, 2 लौंग ली हूँ, छोटी कटोरी से 2 कटोरी पानी। हाँ, उसके बाद इसमें डालेंगे अजवाइन, अजवाइन थोड़ा अजवाइन डालेंगे अपना, उसके बाद से इसमें थोड़ा थोड़ा और पानी डालेंगे, आधा कटोरी, मतलब जितना कप बनाना हो उस हिसाब से, नहीं जितना कप बनाना हो उससे 1 कप अधिक। और इसको गैस पे रख देंगे थोड़ी देर तक पकने के लिए, उसमें फिर काली मिर्च डालेंगे पाउडर। अच्छा, काली मिर्च पाउडर जो है ना, अंदाज से बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो तीखा हो जाएगा। इतना जब पक जाएगा, जब कड़ा पक के तैयार हो जाएगा, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती कलर के लिए, कलर के लिए, और थोड़ी हल्की चीनी। अच्छा,
थोड़ा सा टेस्ट, हाँ, टेस्ट के लिए। तो भाई साहब याद कर लीजिए जिनको नहीं पता है, वैसे तो मम्मी और दादी का नुस्खा जो है बहुत काम आता है बीमारी वगैरह में। क्यों मम्मी दादी का नुस्खा बहुत काम आता है बीमारी वगैरह होता है? तो फाइनली दोस्तों मम्मी का नुस्खा वाला काढ़ा रेडी हो गया और देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं पीता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा कड़वा होता है पर अच्छा लगता है। बाकी इधर हम रील एडिट कर रहे हैं अपना जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा बहुत जल्द। तो फाइनली दोस्तों भी हो चुका है डिनर का टाइम और पापा भी आ चुके हैं, हेलो बोल दीजिए। और इधर अपना डिनर निकल चुका है रात का और आज बना है मेरा फेवरेट चना का दाल जो कि एकदम गाढ़ा गाढ़ा। भाई साहब ये खाने में मज़ा आता है, एकदम गाढ़ा दाल, ऐसा गाढ़ा दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। अब पूरा फ्राई है राई डाल के, सिर्फ दाल और रोटी खाइए एकदम मस्त टेस्ट लगता है। सब्जी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी मम्मी, दाल रोटी ही बेस्ट था। सब्जी नहीं बनाती तो बोलते कि मम्मी सब्जी नहीं बनाई, पर अच्छा लगता है ऐसे ही दाल रोटी। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना अपना हो चुका, अब खाने का टाइम हो गया है डिजर्ट। और डिजर्ट में आज पापा लाए हैं श्रीखंड। आज का दिन कैसे बीता? अच्छा था। तो दोस्तों अभी डिजर्ट में पड़ा हुआ है श्रीखंड और श्रीखंड निकालते हैं मस्त। यहाँ का लोकल है श्रीखंड, देख सकते हैं समूल कंपनी का, अमूल नहीं समूल का है, गुजराती में भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। आइए इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पापा थोड़ा ओपन कीजिएगा, इसको खोलिए। खुल गया। आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। एकदम पूरा एकदम गाढ़ा है, देख सकते हैं दोस्तों। मैं गुजरात आने से पहले ही पापा को कह देता हूँ कि श्रीखंड ला के जरूर रख दीजिएगा क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है ना इसमें। और इसमें पूरा ड्राई फ्रूट वगैरह डाला गया है, बादाम वगैरह, मस्त हो गया। मम्मी लो तुम भी ट्राई करो, लो ट्राई करके देखो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। लेकिन ये उस टाइप का टेस्ट नहीं दे रहा है जो यहाँ के लोकल दुकानों में मिलता है जो लोकल बनाते हैं, नहीं ये अलग दे रहा है। ये कंपनी वाला है तो कंपनी वाले की तरह ही दे रहा है। जो लोकल नहीं लाते थे आप बना बनाया, जो मिठाई दुकान वाले रखते हैं वो वाला लाइए, वो वाला अच्छा लगता है खाने खाने में जो अलग अलग रखते हैं। ये भी ठीक लग रहा है लेकिन वो एकदम ताज़ा ताज़ा होता है, वो लोग बनाते हैं, इसमें थोड़ा सुगंध ज़्यादा है। हाँ क्योंकि सेंटेड है ना। हम कहाँ पे? कन्हैया डेयरी। कन्हैया डेयरी चलिए कोई बात नहीं, भोजपुरी भी चलता है। कहाँ मिली?